अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण बहुत से बच्चे बेहोश होकर गिर रहे थे। ऐसी सूचनाएं कई एक जनपदों से आईं और वहां के शिक्षक संगठनों द्वारा समय परिवर्तन की मांग की गई। उसी क्रम में आज कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बुलंदशहर की ओर से ये आदेश जारी किया गया। इसमें कार्यालय आदेश में समय परिवर्तन कर दिया गया। तो इस समय इसमें यहाँ पर यानी कि बुलंदशहर ज़िले में कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय 26 जुलाई से अग्रिम आदेशों तक 7:30 बजे से 12:30 बजे तक विद्यालयों में शिक्षण कार्य किया जाएगा तथा छात्र छात्राओं के अवकाश के पश्चात समय शिक्षक शिक्षणेतर कर्मचारी द्वारा विद्यालय में 1:30 बजे यानी कि 1:30 मिनट तक विद्यालय से संबंधित अन्य कार्य महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित किया जाएगा। तो मतलब इसमें साफ है कि जो बच्चों का समय रहेगा वो 7:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक रहेगा और शिक्षकों का समय 7:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक रहेगा। यानी शिक्षकों का पूरा समय ही देना पड़ेगा जो अभी तक दे रहे थे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जिले में भी इसी प्रकार का आदेश जारी किया गया है। तो ये लखनऊ की खबर है, यहाँ भी विद्यालय 7:30 बजे से 12:30 बजे तक कर दिया गया है और ये जो भी समय है ये 26 जुलाई 2023 से प्रभावी माना जाएगा। ये यहाँ पर यानी कि लखनऊ ज़िले का आदेश जारी कर घोषणा कर दी गई है और इसके साथ ही इटावा ज़िले का भी ये प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें जो जिलाधिकारी महोदय है उनके द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है कि कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यालय चाहे वो किसी प्रकार के हो 26/7/2023 से अग्रिम आदेशों तक 7:30 बजे से 12:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। यानी कि जो शिक्षण कार्य के लिए संचालन है वो 7:30 से 12:30 तक है, लेकिन जो शिक्षकों के लिए समय है वो आपका सुबह 7:30 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक संचालित किया जाएगा। यानी कि शिक्षकों के लिए समय पूरा रहेगा लेकिन बच्चों के लिए समय परिवर्तन किया गया है और शिक्षकों के लिए आधा घंटे इधर का उधर कर दिया गया है।